फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ले लिया है न्यू एना ऑप्शन को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पर मिल रहा है अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर एक न्यू ऑप्शन, जिससे मैं अपने है ना कार के टायर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे एक न्यू ऑप्शन मिल चुका है मोडिफिकेशन का, जिससे मैं कोई भी कार्स के व्हील चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मुझे न्यू ऑप्शन मिल चुका है। तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ आप लोग भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कैसे ले सकते हो न्यू ऑप्शन को। वीडियो देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कोई भी कार के है ना व्हील को कैसे चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में अंदर मुझे मिल रहा है एक न्यू ऑप्शन, जिससे मैं ना कार्स के टायर चेंज कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी मस्त ऑप्शन है वो भी अपने मोबाइल में। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आज की इस वाली वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी डालू उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के कुछ चीटकोड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग भी कैसे ले सकते हो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर एक न्यू ऑप्शन। तो अपना फर्स्ट चीटकोड आप लोग को डायल करना है 3x3, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। एंड अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हो अपने स्कॉर्पियो क्लासिक का कलर। एंड यहाँ पर आप लोग को मिक्स मिल जाएगा, एंड उसी के साथ आप लोग अलग अलग कलर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें RGB नहीं होता है, सिर्फ आगे की तरफ ही RGB होगा इस वाले अपने स्कॉर्पियो में। शायद से अपने गेम के डेवलपर ने इस पर काम नहीं किया, ऐसी वजह से भाई थोड़ी बहुत इसमें ग्लिच हो रहे हैं, जैसे कि आगे वाले है ना थोड़ा वाला पार्ट है ना अपने कलर हो रहा है RGB, बाकी नहीं हो रहा है। तो नया सीट रोड आप लोग बता देती हूँ, नया सीट रोड आप लोग को 9999090 डायल करना, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी अपनी थार। गाइस आप लोग अभी है ना इस कार को ड्राइव कर लो, क्योंकि अपने जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आने वाला है उसके अंदर इस कार को रिमूव करके एक न्यू थार को ऐड किया जाएगा शायद से, या फिर ये भी रहने वाली ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग को ये वाली थार मिल जाएगी अपने न्यू अपडेट में। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो काफी ज्यादा मस्त लग रही है, एंड इसको फुली मॉडिफाई कर रखा है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो नया सीट आप लोग बता देते हैं, तो नया सीट आप लोग को डायल कर रहा है 1000। उसके बाद आपके सामने आ जाएगी अपनी फॉर्च्यूनर कार, जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफी मस्त लग रही है अपनी फॉर्च्यूनर कार। एंड आप लोग भी अपनी फॉर्च्यूनर कार का कलर चेंज कर सकते हो, एंड इस पर व्हाइट कलर काफी ज्यादा मस्त लगता है मेरे को, एंड काफी ज्यादा तगड़ी अपनी फॉर्च्यूनर लग रही है। एंड यहाँ पर व्हाइट कलर में भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ी लग रही है, आप लोग कॉमेंट बताना। एंड अगर आप लोगों की फेवरेट कार अपनी है ना फॉर्च्यूनर तो आप लोग नीचे कमेंट करना फॉर्च्यूनर OP। मेरी फेवरेट कार तो अपनी स्कॉर्पियो S11 है, तो आप लोग अपनी कमेंट में बताना। तो चलो नया सीट रोड आपको बता देते हैं, तो आप लोग को 4x6 डायल करना है, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी अपनी रेंज रोवर कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर रेंज रोवर। एंड आप लोग भी अपने रेंज रोवर का कलर चेंज कर सकते हो, येल्लो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है अपने रेंज रोवर में। एंड इसमें आप लोग को सनरूफ भी मिल जाएगी अपनी रेंज रोवर में, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से तो दिखेगी नहीं, हम लोग को उसके लिए ना कार के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को ऊपर सनरूफ भी मिल जाएगी अपने रेंज रोवर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। तो चलो नया सीट आपको बता देते हैं अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर। तो नया सीट आप लोग को डालकर 2000, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी अपने रोल्स रॉयस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है अपने रोल्स रॉयस कार अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर। एंड इसकी सनरूफ ओपन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही तगड़ी मिलती है आप लोग को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर अपनी रोल्स रॉयस। एंड इसका आप लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसी के साथ RGB में भी कर सकते हो, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है अपनी ये वाली कार भी। तो अभी बात कर लेते हैं आप लोग भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कैसे ले सकते हैं अपने न्यू मोटिफिकेशन अपडेट को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर। तो जो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम है ना उसके अंदर अभी आप लोग को मोटिफिकेशन अपडेट नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप लोग नीचे कॉमेंट करोगे उसकी वजह से, आप लोग अगर ज़्यादा कॉमेंट करोगे इसकी ज़्यादा डिमांड बनाओगे अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर, तो जरूर से ऐड कर दिया जाएगा अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर अपना मोटिफिकेशन अपडेट। एंड उसी के साथ शायद से इस वाले अपडेट में, मतलब जो अपने इंडियन कार सिमुलेटर गेम है उसके अंदर आप को मिल जाएगा अपना मोटिफिकेशन अपडेट। एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में भी ऐड कर दिया जाएगा। एंड अगर कोई शॉप वगैरह मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा मस्त रहेगा। बाकी गाइस इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गलती हो चुकी है, तो उसके लिए वेरी सॉरी सॉरी। अब आप लोग को आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी डालू उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एंड नीचे कॉमेंट कर देना जिसे अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऐड कर दिया जाए अपने मोटिफिकेशन अपडेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।